सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में और लेकर आप ले अक्टूबर 2018 के फर्स्ट वीक के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मेरी प्रोफाइल आप लोगों को अमन बंसल के नाम से मिल जाएगी। वैसे मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने खुल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग अन अकेडमी यूज नहीं भी करते तो भी आप डायरेक्टली जाके गूगल में अमन बंसल अन अकेडमी लिख दीजिए। वहां पे जैसे ऊपर लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आप लोगों के सामने खुल जाएगी और उसमें आप डेली करंट अफेयर के सेक्शन में जाके डेली करंट अफेयर जो भी मैं वहां पे अपलोड करता हूं उसे आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जो आज के लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है दिल्ली में। अब अकादमिक नेतृत्व पर सम्मेलन किया है ये किस चीज को लेकर है? ये शिक्षा को लेकर है, यानी कि एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस, शिक्षा का पुनरुत्थान को लेकर है। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्फ्रेंस ऑन अकेडमिक लीडरशिप ऑन एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस, ठीक है? तो ये सब चीज भी आप लोग अपने पास में लिख लीजिए। अब इसका उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है ये आप लोगों को बता दूं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये शिक्षा को लेकर है, शिक्षा के पुनरुत्थान को लेकर है, और शिक्षा MHRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और हमारे जो MHRD मिनिस्टर है वो प्रकाश जावड़ेकर जी है। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने और उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपने अपने पास में जरूर लिखनी है। जो स्टूडेंट अन अकेडमी के हैं वो तो मेरी बात को जानते हैं कि वीडियो देखने के दौरान जरूर वो अपने पास में कॉपी या रजिस्टर रखेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि आप करंट अफेयर की मेरी वीडियो देखने के दौरान जरूर अपने पास में कॉपी या रजिस्टर रखें, और उस कॉपी या रजिस्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊं वो जरूर नोट डाउन करें, और अगली वीडियो आने से पहले 2 या 3 बार इस कॉपी में से उस इंफॉर्मेशन को जरूर पढ़ लें। इस इंफॉर्मेशन को बाद में पढ़ने से आप लोगों को ये क्वेश्चंस वापस रिवाइज हो जाएंगे, और रिवाइज नहीं अगर आप लोग करोगे तो आप लोग ये क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हो वीडियो के दौरान थोड़े टाइम के बाद जरूर भूल जाओगे। ऐसे में ये प्रोसीजर जरूर अपनाइए लिखने का और बाद में इसे पढ़ने का। मैं आपसे वादा करता हूँ आप इस प्रोसीजर को अगर 2-3 वीडियो तक भी अपना लेंगे तो आप अपने अंदर ही एक बड़ा चेंज देखना शुरू कर देंगे, जिसमें अब आपको लगने लगेगा कि अब आपको जो वीडियोज के दौरान आपने क्वेश्चन देखे थे वो याद रहने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही आप कोई वर्ड सुनेंगे उसके रिगार्डिंग आपने जो भी पढ़ा होगा वो झट से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। तो आप ये प्रोसीजर जरूर अपनाइए। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। पीटीआई यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है ताकि आप लोग इसे अपने पास कॉपी में फुल फॉर्म के रूप में लिख लें। पीटीआई की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो है एन रवि जी। अब अध्यक्ष एन रवि जी बने हैं, उपाध्यक्ष कौन बने हैं? उपाध्यक्ष बने हैं विजय कुमार चोपड़ा जी। तो ये भी आप अपने पास कॉपी में जरूर लिखिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठे ICC महिला विश्व T20 यानी कि क्रिकेट की बात हो रही है, के लिए किसे भारतीय महिला टीम का कप्तान चुना गया है? तो भारतीय महिला टीम की कप्तान होगी हरमनप्रीत कौर जी, और ये जो कप खेला जाएगा वो वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा और 9 से लेकर 24 नवंबर तक ये खेला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में चुनाव निर्धारित होने से पहले ही आचार संहिता लगाई गई है? तो आचार संहिता लगा दी गई है तेलंगाना में। यहाँ पे चुनाव की तारीख जो है वो अभी तक निर्धारित नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही आदर्श आचार संहिता यहाँ पर लगा दी गई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तेलंगाना की विधानसभा अभी भंग हुई है, ऐसे में जो इलेक्शन होने थे एक्चुअल में उससे पहले यहाँ पर इलेक्शन किए जाएंगे, और उसको देखते हुए ये आचार संहिता लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर 5 साल के सतत विकास ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? और 5 साल के सतत विकास ढांचे को बोलते हैं 5 ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर। तो 5 साल का जो सतत विकास ढांचा है ये इन्होंने साइन किया है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के साथ में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हाल ही में गृह मंत्रालय ने SDRF में अपने योगदान को 75% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो SDRF में गृह मंत्रालय ने अपने योगदान को 75 से बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है। और SDRF की फुल फॉर्म आप लोग अपने पास में लिख लीजिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि आपदा प्रतिक्रिया निधि। अब गृह मंत्रालय 75% नहीं करेगा बल्कि 90% तक का योगदान करेगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर लू समीक्षा अभियान, अब लू समीक्षा अभियान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आप अपने पास जरूर लिखिएगा,
लू रिव्यू कैंपेन, ठीक है। तो लू रिव्यू कैंपेन शुरू किया है भारत ने किसके साथ मिलके, तो भारत सरकार ने गूगल के साथ मिलकर लू समीक्षा अभियान को शुरू किया है। अब लू का मतलब क्या है, इसका मतलब है टॉयलेट। आप लोग जानते हैं अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट है उसके कितने दूरी में कोई हॉस्पिटल है या उसके कितनी दूरी में कोई होटल वगैरह है। इसी तरीके से ये कुछ कैंपेन है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने आसपास में अगर टॉयलेट सर्च करना चाहता है तो वो भी वो उसे सर्च कर सकता है इस कैंपेन के थ्रू। तो इसकी शुरुआत की जाएगी गूगल के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और अमूल के बारे में आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर अमूल डिस्ट्रिक्ट में है जो कि गुजरात राज्य का डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और अमूल की फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब आप लोग अपने पास में जरूर लिख लीजिए। और इसका जो अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कौन से बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि करूर वैश्य बैंक आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसे फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसे में इस बैंक पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। और बंधन बैंक के लिए आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बंधन बैंक को नई शाखाएं खोलने से आरबीआई ने मना किया है, तो ये आप लोगों को रिविजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन है वो तो यही कि करूर बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के करूर में ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक परीक्षा योद्धाओं को हाल ही में कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया है, तो इसे प्रकाशित किया गया है उर्दू लैंग्वेज में। और परीक्षा योद्धा जो बुक का नाम है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम वॉरियर्स। इसके अंतर्गत 25 मंत्र है जो कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को जो एग्जामिनेशन प्रेशर है, जो एग्जाम का तनाव है, उसे कम करने के लिए 25 कुछ मंत्र दिए गए हैं। और इस भाषा में आप लोगों को बता दूं जो ट्रांसलेशन की गई है इस पुस्तक की, ये 15वीं ट्रांसलेशन है, यानी कि 14 भाषाओं में पहले ही इसको प्रकाशित किया जा चुका है और 15वां जो है वो उर्दू में इसका प्रकाशन अब किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाफ्टा में सुधार के लिए यूएस ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में कनाडा। नाफ्टा के बारे में आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और इसके जो सदस्य हैं वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको है। ऐसे में यूएस ने कनाडा के साथ मिलकर समझौता हस्ताक्षर किया है नाफ्टा में सुधार के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने चाय बागानों में कार्यशील गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई मजदूरी मुआवजा योजना शुरू की है, तो असम सरकार ने ऐसी योजना शुरू की गई है जिसमें गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए तक दिए जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं ये जो 12,000 रुपए दिए जाएंगे वो एक बार में ही नहीं दिए जाएंगे, ये पूरे साल में अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग राशि वितरित की जाएगी, ताकि गर्भवती महिलाएं जो खेत में आकर काम नहीं भी कर पाती तो भी उन्हें कुछ आर्थिक नुकसान ना हो। साथ ही आप लोगों को चाय के बारे में बता दूं कि असम ऐसा राज्य है जो नंबर 1 राज्य है भारत के अंदर चाय के उत्पादन में, और जिले में जो जिला नंबर 1 है चाय के उत्पादन में वो दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग असम का नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जिला है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 जिला दार्जिलिंग है जो कि पश्चिम बंगाल का जिला है, और नंबर 1 राज्य असम है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समाज के लिए आरक्षण प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2018 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको बता दूं 2 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। ऐसे में एक तो वैज्ञानिक का नाम है जेम्स पी एलिसन और दूसरे हैं तसुकु होंजो, तो ये नाम आप अपने पास में जरूर लिखिएगा, तसुकु होंजो और जेम्स पी एलिसन। और इनको क्यों दिया गया, इन्होंने कैंसर थेरेपी की रिसर्च की थी जिस कारण से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार के बारे में बता दूं, ये पुरस्कार जो है वो स्वीडन देता है, सिर्फ एक ही नोबेल पुरस्कार है जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देता है, लेकिन बाकी जो भी नोबेल पुरस्कार है चाहे वो फिजियोलॉजी मेडिसिन को लेकर हो चाहे फिजिक्स को लेकर हो वो सब स्वीडन देता है।
और एक खास बात और बता दूं, इस बार का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यानी कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, वो इस बार नहीं दिया जाएगा। तो ये आप अपने पास में जरूर लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इसको लेकर क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग CIC किसे RTI के अंतर्गत ले आया है? तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI को अब RTI के अंतर्गत लेके आया गया है, यानी अब BCCI कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए तो उसे वो RTI के अंतर्गत देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली व्यापक स्तर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली किसे प्राप्त हुई है? तो ये प्रणाली प्राप्त हुई है कलकत्ता को। अब कलकत्ता में कभी भी बाढ़ के हालात होंगे तो उसका पूर्वानुमान कलकत्ता लगा पाएगा और पहले से ही चेतावनी जारी कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ कैंपेन रैंकिंग में कौन सी सरकारी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? तो जो सरकारी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है वो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एक खास बात आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन पे सरकारी लिखा गया है तो खास तौर पे आप लिख लीजिएगा सरकारी यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। सरकारी यूनिवर्सिटी पहली है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, दूसरी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और तीसरी है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ की है? ये है रोहतक हरियाणा की। गुरु नानक वाली ये है अमृतसर पंजाब की, और तीसरी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस ये दिल्ली की है। तो ये तीनों आप लोगों को पता होने चाहिए और जरूर आप अपने पास में लिख लीजिए इनको। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की नई मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त की गई है? तो नई मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त की गई है गीता गोपीनाथ जी। और आप लोगों को गीता गोपीनाथ के बारे में बता दूं, ये भारत से ही हैं, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो है वो भारत में की है और ये केरल सरकार की पूर्व आर्थिक सलाहकार भी रह चुकी हैं। उस बार यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBS अमर 6 कहाँ शुरू हुआ है? तो IBS अमर 6 शुरू हुआ है दक्षिण अफ्रीका में, और यहाँ पे आई का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है ब्राजील और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इन तीनों देशों की नेवीज के बीच में ये IBS अमर 6 शुरू हुआ है। और IBS 5 के बारे में बता दूं आपको, यानी कि IBS अमर 5 ये 2016 में हुआ था 19 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक, और जो 6 है वो 1 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 से 13 अक्टूबर 2018 तक, और ये नेवीज के बीच में हो रहा है और ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2018 किसने जीता है? तो आपको बता दूं ये 3 लोगों ने जीता है, हमने इन चारों में से उस नाम को छांटना है जो उन 3 लोगों में से है। तो आर्थर अश्किन उन 3 लोगों में से है जिन्होंने फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता है। अब वो तीनों नाम आप लोगों को बता दूं, एक तो है आर्थर अश्किन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा है जेरार्ड मोरो और तीसरी है डोना स्ट्रिकलैंड। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया डोना स्ट्रिकलैंड एक महिला है, ये जरूर लिख लीजिएगा आप अपने पास। एक खास बात इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो तीनों नाम आप लोग अपने पास में लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आर्थर अश्किन, दूसरे हैं जेरार्ड मोरो और तीसरे हैं डोना स्ट्रिकलैंड। डोना स्ट्रिकलैंड महिला है, और एक खास बात बता रहा हूँ कि लास्ट जो महिला थी जिनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था वो 1963 में मिला था, और अब 1963 के बाद डायरेक्टली 2018 में जाकर मिला है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 55 सालों के इतिहास में जो नोबेल प्राइज दिया गया है भौतिकी का, ऐसी कौन सी एकमात्र महिला है? तो आप लोगों ने ये नाम जरूर याद रखना है, डोना स्ट्रिकलैंड एकमात्र महिला बन चुकी हैं जो पिछले 55 सालों में भौतिकी का नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली हुई है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर आप अपने पास कॉपी में इसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पिछले 3 वर्षों में मंजूरी प्राप्त घरों में से कितने प्रतिशत घर बनाए जा चुके हैं? तो जितने मंजूरी प्राप्त घर थे उनमें से 15% से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। अब मंजूरी प्राप्त कितने घर थे ये भी आप लोगों को बता दूं, तो 54.95 लाख घरों की मंजूरी दी गई थी और उसमें से 15% से अधिक घर बनाए जा चुके हैं। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की बात आई है तो आपको बता दूं आवास और शहरी मंत्री हरदीप पुरी जी हैं, जरूर आप अपने पास में लिख लीजिए जिनको नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ग्रामीण हब का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नाबार्ड ग्रामीण हब का आयोजन किया जा रहा है बेंगलोर में। इसमें ग्रामीण शिल्पकारों के लिए एग्जीबिशन लगाई गई है नाबार्ड द्वारा, और नाबार्ड के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है अरुण कुमार जी।
उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने काउ एक्सप्रेस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने काउ एक्सप्रेस लॉन्च करने की घोषणा की है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जख्मी गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको बता दूं मध्य प्रदेश में गो मंत्रालय भी बनाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप अपने पास में लिख लीजिए, एक तो काउ एक्सप्रेस और दूसरा गो मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी पहली असेंबली आयोजित की गई है दिल्ली में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आती है, आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं मैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कारण भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। तो ये भी आप लोगों के दिमाग में झट से आ जानी चाहिए जैसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में सुने। और ये झट से दिमाग में तभी आएगी जब आप लोगों को रिवीजन की हैबिट होगी। मैं अनअकैडमी पे सेशन दौरान हर वीडियो में बताता हूँ कि आप जरूर अपने साथ में कॉपी रखिए, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन के लिए मैं रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताऊं नोट डाउन कीजिए और रात को सोने से पहले पढ़िए। रात को सोने से पहले इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगले दिन फिर एक सेशन होने वाला है, ऐसे में जो पहले सेशन लिया गया है उसको अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे, तो नया सेशन देखने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में वहां पे तो प्रोसीजर है कि आप रात को सोने से पहले पढ़ें क्योंकि वो डेली सेशन लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए वीकली करंट फेयर आ रही है, क्वेश्चन की जो संख्या है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऐसे में रात को सोने से पहले ना पढ़ें, लेकिन अगली वीडियो आने से पहले तक आप 2 से 3 बार जरूर इसे पढ़ लें ताकि आपको काफी हद तक रिवाइज हो जाए, जो भी आपने पढ़ा है काफी हद तक आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आप ये प्रोसीजर जरूर अपनाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला होगा तो जो स्टूडेंट काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके दिमाग में तो जरूर ये बात आ गई होगी चैंपियंस ऑफ द अर्थ वाली। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड यूथ ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो थर्ड यूथ ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे मनु भाकर जी। और मनु भाकर जी नाम से हो सकता है स्पष्ट ना हो, आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक महिला है और इनका जो खेल है वो शूटिंग का है। तो आप लोग लिख लीजिए मनु भाकर महिला है, शूटर है और ये हरियाणा से हैं। और थर्ड यूथ ओलंपिक के बारे में आपको बता दूं, इसका शुभंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट है जैगुअर जैसा दिखने वाला एक जानवर है, आप लोगों ने टीवी में या मोबाइल में जरूर देखा होगा। और उसका नाम है पांडी, तो आप पांडी नाम जरूर लिख लीजिए, हो सकता है शुभंकर को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो आप लोग जरूर लिख लीजिए पांडी, इसका शुभंकर है यानी कि मैस्कोट। और थर्ड यूथ ओलंपिक अर्जेंटीना में होंगे 6 से लेकर 18 अक्टूबर तक। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किया है सिडबी ने। और सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और प्रेजेंट टाइम में सिडबी के जो चेयरमैन है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पिछले 55 सालों में फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला का नाम क्या है? तो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, डोना स्ट्रिकलैंड जी हैं जिनको 55 सालों में फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कौन सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है? तो रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। और रबी की फसलों के अंतर्गत क्या चीज आती है? गेहूं, जो, चना, मसूर, तो ये सब जो है वो रबी की फसलें हैं और इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। उसके यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो काफी समय से विवादों में चल रही आईसीआईसीआई की जो सीईओ थी चंदा कोचर जी, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और जो नए सीईओ बनेंगे आईसीआईसीआई बैंक के उनका नाम है संदीप बख्शी जी। तो ये नाम जरूर अपने पास में लिख लीजिए। और संदीप बख्शी जी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ भी हैं, तो ये भी आप अपने पास में लिख लीजिए संदीप बख्शी प्रेजेंट टाइम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं और अब ये सीईओ बन चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। और इस यात्रा को लेकर मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं जानता था आप लोग अपने पास में कॉपी जरूर रखते हैं, तो आप उसके अंदर रख दीजिए। इस यात्रा के दौरान इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंतर्गत वो भारत को S-400 मिसाइल बेचेंगे। और S-400 मिसाइल की खास बात आपको बता दूं, ये 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल भारत की ओर आ रही होगी तो उसे वो हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखती है। और इस मिसाइल की जो कीमत है वो लगभग $5 बिलियन है, यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी जरूर आप अपने पास में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा राज्य है
जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ राज्य प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। अब पहले नंबर पर हरियाणा है, दूसरे और तीसरे भी आप लोगों को बता दूं, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे महाराष्ट्र है। जिला कौन सा पहले पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले नंबर पे जो जिला है वो सतारा जिला है और सतारा महाराष्ट्र का जिला है। दूसरे नंबर पर रेवाड़ी है, रेवाड़ी हरियाणा का जिला है। तीसरे नंबर पर पेड़ापल्ली है और पेड़ापल्ली तेलंगाना का जिला है। तो ये तीनों चीजें आप लोग अपने पास में लिख लीजिए, तीनों राज्य और तीनों जिले, जिलों के लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूं तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 दिया गया है, ये सर्वेक्षण के बाद में दिया गया है और सर्वेक्षण का मतलब है सर्वे, और सर्वे किया गया था 685 जिलों का और 685 जिलों के अंतर्गत 6786 गांवों को शामिल किया गया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन जरूर आप अपने पास में लिख लीजिए। 685 जिले यानी कि 685 डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया गया था जिसके अंतर्गत 6786 यानी कि 6786 गांवों को शामिल किया गया था और उसमें हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमसीजी ने मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो एनएमसीजी ने मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए टीएसएएफ के साथ भागीदारी की है। और आपको एनएमसीजी की फुल फॉर्म बता दूं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और टीएसएएफ की फुल फॉर्म है टाटा स्टील एडवेंचरस फंड। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे युवा भारतीय बन चुके हैं पृथ्वी शो जी। इनकी आयु थी 18 वर्ष 329 दिन की और इन्होंने विंडीज के खिलाफ शतक को लगाया है गुजरात के राजकोट में। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मिशल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है नागालैंड ने। मिशल्स और रूबेला दो बीमारियों का नाम है और इन दो बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कैदी महिलाओं और न्याय के लिए पहुंच विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है शिमला में और इसके लिए आपको लोग बता दो, इसका उद्घाटन किया था प्रेजेंट टाइम के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पीस 2018 में से किसे प्राप्त हुआ है? तो दो लोगों को यह प्राप्त हुआ है, एक तो है डेनिस मुकवेज और दूसरा है नादिया मुराद जी। तो ये दोनों नाम आप लोग अपने पास में जरूर लिख लीजिए, डेनिस मुकवेज और दूसरा नादिया मुराद। डेनिस मुकवेज कोंगो के हैं और नादिया मुराद जर्मनी में रहने वाली इराकी महिला है और इन दोनों ने ही यौन उत्पीड़न से प्रभावित हुए लोगों के लिए काम किया था। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। यहाँ पे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जब टीचर्स डे की बात आती है तो 5 सितंबर लिखा जाता है लेकिन जब वर्ल्ड टीचर डे की बात आती है तो वहां पे 5 अक्टूबर रहता है। तो ये दोनों डे आप लोग अपने पास में लिख लीजिए ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया कैम्प 2018 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडिया कैम्प 2018 सम्मेलन शुरू हुआ है मुंबई में और इसे क्या कब बोला जा रहा है? 10वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, ये आप जरूर अपने पास में लिख लीजिए, 10वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इसे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये फेस्टिवल शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने और साथ ही इस बार का जो फेस्टिवल थे उसकी थीम थी साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत ई पेमेंट अडॉप्शन रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 28वें स्थान पर रहा है। इससे पहले ये रैंकिंग जारी की गई थी 2011 में और उस समय भारत की जो पोजीशन थी वो 36वीं थी लेकिन अब 2018 में जो रैंकिंग लॉन्च की गई है उसमें भारत की पोजीशन 28वीं है। 8 पोजीशन भारत की सुधर चुकी है, ये काफी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोगों को बता दूं ये जो रैंकिंग दी गई है वो 3 तरीके के ट्रांजेक्शन को देखते हुए दी गई है, C2G, B2G और G2B। और C2G का यहाँ पे मतलब है सिटीजन टू गवर्नमेंट, B2G का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट और G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो इन 3 तरीके की ट्रांजेक्शन को देखते हुए ये रैंकिंग दी गई है और इस रैंकिंग में पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पे फ्रांस है और तीसरे पे डेनमार्क है, ये भी जरूर आप अपने पास में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र के अन्य आसपास के इलाकों में कौन से आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है? तो अल्फोंसो आम की जो प्रजाति है उसे महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिए, वहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें अभी तक जो भी चैनल द्वारा इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है वो मिल जाएगी। साथ ही अभी तक जो भी करंट अफेयर को लेकर वीडियो अपलोड की गई है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि एक ही प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाए। और साथ ही आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है इसी तरीके से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करने में। साथ ही आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए सभी फेसबुक और व्हाट्सएप के एजुकेशन ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स लेसन का फायदा ले सके। और इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।